बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी क्लास 11 जैव अणु, जिसको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और बायो मॉलिक्यूल्स में मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं, और इस पार्ट में आपको मैं बताने वाला हूं कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और उनका उदाहरण क्या होता है। इन सभी बातों को मैं आपके उस क्लास में मैं बताऊंगा। आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी जरूरी बात बताने वाला हूं। वो बात ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है पहले चैप्टर से लेकर के इस चैप्टर तक, सभी का टेस्ट चल रहा है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम एकदम सेम सेम है। व्हाट्सएप चैनल का नाम भी टारगेट बायोलॉजी टॉपर है, आप वहां पर सर्च करेंगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। और वहां पर संडे को एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलता है, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, आधे घंटे से 45 मिनट का टेस्ट सीरीज होता है। आप वहां पर आंसर देंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, बिल्कुल फ्री में है। आपको नोट्स भी इस क्लासेस के वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो जितनी भी मैं क्लासेस आपका ऑनलाइन ले रहा हूं यूट्यूब पर, सबका नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको उस व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, कैसे बने होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होते हैं। इन सभी बातों को बेहतरीन में दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी नई चीज को पढ़ने से पहले, अगर हम उस चीज को पुरानी बातों को साथ में लेकर चले, उसे जोड़ते हुए चले, तो काफी अच्छे से समझ में आ जाती है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में मैंने कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांट करके आपको बताया था। पहला क्या था, मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा क्या था आपका, पॉलीसैकेराइड, जो कि आज हम पढ़ने वाले। देखिए अगर हम बात करते हैं जो मोनोसैकेराइड होता है भाई, मोनोसैकेराइड को कार्बन की संख्या के आधार पर देखा गया था, यानी कि उसमें कार्बन की संख्या दो है तो वो क्या कहलाएगा, डाइसैकेराइड, सॉरी डेक्स्ट्रोज कहलाएगा, तीन है टेट्रोज कहलाएगा, चार है ठीक है टेट्रोज कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को बांटा गया था, उसका एग्जाम्पल भी उसी हिसाब से बना था। फिर उसके बाद हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं, जो एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो यहां डाइसैकेराइड में क्या है, दो ठो मोनोसैकेराइड है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ओलिगोसैकेराइड होता है ना, वहां पर दो मोनोसैकेराइड से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड के अणु, यानी कि 10 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पॉलीसेकेराइड की, तो बस पॉलीसेकेराइड पढ़ना है, शुरू करते हैं। पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, देखो पॉलीसेकेराइड जो अणु होता है ना भाई, इसका निर्माण जो होता है वो 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के होता है। यानी कि अगर हम कह लें द पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म या मेड अप ऑफ 10 और मोर देन 10 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल। बात समझ में आई, चलिए इसी बात को हम लिखेंगे बोर्ड पर और आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाला जो क्लास है भाई, इंग्लिश वाला जो आपको नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बाकी मैं हिंदी वाला लिख रहा हूं यहां पर, आपको समझा रहा हूं, इंग्लिश में बोल भी रहा हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं जो पृथ्वी है ना भाई, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो पॉलीसेकेराइड के रूप में ही पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑन द अर्थ हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, ओके। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है भाई, पॉलीसेकेराइड का निर्माण, पॉलीसेकेराइड का निर्माण 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है, अणुओं से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दूसरे पॉइंट में क्या बताया कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। यानी कि हम कहें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा में
कार्बोहाइड्रेट जो होता है भाई, वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है, मैं रूपा लिख रहा हूं, रूप में पाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक विशेष बात, एक मेन पॉइंट में आपको बताऊं इस पॉलीसेक्राइड के जुड़ते हुए या पॉलीसेक्राइड से जुड़ा हुआ हो जा। तो अगर हम बात करते हैं जो पॉलीसेक्राइड के अणु होते हैं, पॉलीसेक्राइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम ग्लाइकेन्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज ग्लाइकेन्स? तो आप जवाब कर दोगे भाई, ग्लाइकेन्स जो होता है वो एक पॉलीसेक्राइड होता है, क्योंकि पॉलीसेक्राइड के अणुओं को ही तो हम ग्लाइकेन्स कहते हैं। बात समझ में आया? तो अगर हम बात करते हैं तो लिखेंगे हम पॉलीसेकेराइड के अणुओं को, या पॉलीसेकेराइड अणुओं को ग्लाइकेन्स कहते हैं। ग्लाइकेन्स कहते हैं, बात समझ में? अब अगर हम बात करते हैं भाई, जो जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो बने थे कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड होंगे तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं भाई, वो व्युत्पन्न होते हैं, डिराइव होते हैं, और जो पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं वो शाखा युक्त हो सकते हैं, यानी कि शाखित ब्रांच्ड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं तो जो सेलुलोज होता है ना, जिसको हम बात करते हैं, जो कोशिका भित्ति होती है पौधों की, वो सेलुलोज ही बनी होती है, और ये जो सेलुलोज होता है ना वो शाखा युक्त होता है, ब्रांच्ड होता है। बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपका पॉलीसेकेराइड होता है वो अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड भी हो सकता है। अनब्रांच्ड का मतलब जिसमें कोई भी शाखा है ना हो, वो एक सीधी रेखा में हो, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जो ग्लाइकेन्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजेंस जो होते हैं वो आखिर क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं जो पॉली सैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। बस समझ में आए? तो हम लिखेंगे कि पॉलीसेकेराइड के व्युत्पन्न, पॉली सैकेराइड के व्युत्पन्न, पॉलीसेकेराइड के जो व्युत्पन्न होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है भाई, वो शाखित हो सकता है, यानी कि ब्रांच्ड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अशाखित, इसको हम कहते हैं अनब्रांच्ड। बात समझ में आई? अब अगर हम बात करते हैं जो ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होते हैं, शाखा वाले जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो कौन से हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो जो आपको सेलुलोज होता है, सेलुलोज ये आपका ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। और अगर हम बात करें अनब्रांच्ड, जो एक लीनियर लाइन में होता है, लीनियर चैन में होता है, वो कौन सा है, एग्जाम्पल की बात करें ना। तो अगर हम बात करते हैं जो ग्लाइकोजेंस होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजेंस जो होते हैं वो आपके अनब्रांच्ड होते हैं, समझ में आई? अच्छे से नोट कर लो, अन्यथा मैं आपको नोट तो दूंगा ही। चलिए अगर हम बात करते हैं जो आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं, इनका जो अणु भार होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? देखो अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, एक ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये फॉर्मूला हो गया, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता होगा। यहां कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, प्लस कर दो, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ठीक है, इसका परमाणु भार 1 होता है, प्लस कर दो, ऑक्सीजन की संख्या 6 है, इसका परमाणु भार 16 होता है। अब आप काउंट कर लेंगे 72, इतना हो गया, ऐड कर लेंगे 6 2 8 2 10 की 0, इसके बाद क्या हो गया, 9 1 10 11 और 7 18, 180। ये क्या है, सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट है। अब सोच लो जब एक से ज्यादा नहीं बल्कि 10 या 10 से भी ज्यादा ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे और पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, तो कितना मॉलिक्यूलर वेट जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा ना।
इसीलिए हम कहते हैं कि जो पॉलीसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है। बात समझ में आया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपके पॉलीसेक्राइड होते हैं इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं बच्चों, उसको देख लो आप। पॉलीसेक्राइड के सामान्य सूत्र, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सामान्य सूत्र, किसके सामान्य सूत्र, पॉलीसेक्राइड के, तो पॉलीसेक्राइड के सामान्य सूत्र क्या हो जाएंगे, C6H10O5 का होल n, जहां n बराबर मोनोसैकेराइड की संख्या, मोनोसैकेराइड की संख्या। बात समझ में आया बच्चा, देखो ये तो आपको सामान्य एक पॉलीसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला हो गया। जैसे जैसे यन की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे इस ब्रैकेट के अंदर कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होता है। और आप ध्यान रखेंगे यन जब भी आप लिखेंगे तो 10 से ज्यादा या 10 होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई। अब चलिए हम बात करते हैं मेन पॉइंट की। इतना तो बेसिक सा इंफॉर्मेशन था पॉलीसेक्राइड का, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड के क्लासिफिकेशन की, यानी कि वर्गीकरण की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन होता है ना भाई, इसको दो बेस पर, दो चीजों को आधार मान करके बांटा गया है। पहला जो आधार है वो है इसके संयोजन का आधार, यानी कि कॉम्बिनेशन को बेस्ड माना गया है इसको क्लासिफाई करने के लिए। दूसरी बात बात करते हैं तो इसका जो उपयोगिता होता है, यानी कि यूज होता है, यूटिलिटी जो होती है उस यूटिलिटी के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। दो बेसिस माने गए, टू मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। फर्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज द बेस्ड ऑन यूटिलिटी और यूज ऑफ पॉलीसेक्राइड। बात समझ में आया। चलिए तो फटाफट से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूं आगे की ओर, आपको समझाता हूं कि पॉलीसेक्राइड जो होता है भाई वो कितने भागों में बांटा गया, यूटिलिटी के बेसिस पर और कॉम्बिनेशन के बेसिस पर। अगेन बात करते हैं ना, अगेन अगर हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं मेरे बच्चा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो पॉलीसेक्राइड होता है उसको दो आधार पर अलग अलग किया गया। कौन कौन से दो आधार माने गए उसको पहले हम जान लेते हैं। पहला जो आधार माना गया है वो है संयोजन का आधार। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा है उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी, यूज, ठीक है। तो पहला क्या है, संयोजन के आधार पर, संयोजन के आधार पर इसको क्या लिखेंगे हम, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। सेकेंड क्या है, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर जिसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन द यूटिलिटी और यूज। बात समझ में आई, यूटिलिटी या यूज के बेसिस पर। देखो अगर हम बात करते हैं जो संयोजन कॉम्बिनेशन के बेसिस पर बांटते हैं, इसके जो एग्जांपल होते हैं कॉम्बिनेशन वाले में, वही एग्जांपल या उन्हीं चीजों से ये हमारा यूज वाला बनता है। बात समझ में आई। चलिए आगे की पॉइंट को हम समझते हैं
पहला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर, संयोजन के आधार पर अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाते हुए आगे की ओर चलते हैं, तो फ्लो चार्ट में हमें बताया गया, बताया ये है कि जो संयोजन होते हैं कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं वो दो प्रकार के, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जहां पर केवल और केवल एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं। बात समझ में आया, जहां पर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होमोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल की बात करते तो यहां पर कुछ जो आपके मंड होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, ये ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को संचय करके रखते हैं, यानी कि ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं। जबकि कुछ अन्य जो पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि होमोपॉलीसेकेराइड में आएंगे, जैसे हम सेलुलोज की बात करते हैं, काइटिन की बात करते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक संरचना प्रदान करते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हेटरो पॉलीसेकेराइड होता है, बेटा हेटरो नाम से ही पता चल रहा है ना भाई, हेटरो यानी कि अलग अलग, तो दो या दो से अधिक प्रकार के जब मोनोसेकेराइड आपस में बहुलकीकृत होते हैं, पॉलीमराइज्ड होते हैं, मिलते हैं, तो हेटरो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है, इट इज डन। आगे बात करते हैं इसके कुछ सामान्य उदाहरण की, अगर हम बात करते हैं किसके, हेटरो पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, म्यूको पॉलीसेकेराइड, काइटिन, अगार, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज आदि, ये सभी क्या होते हैं, हेटरो पॉलीसेकेराइड होते हैं। और जो ये हेटरो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, जो जीव होते हैं उनके शरीर पर एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, शरीर पर बाह्यकोष की अवलंबन प्रदान करते हैं। बात समझ में आया, अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएगा कहां पर, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, हमने तो आपको बता दिया कि हेटरोपॉलीसेकेराइड क्या होता है और होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, बस बात यह है कि फ्लो चार्ट में लिखेंगे हम। तो अगर हम बात करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड की, होमो पॉली सैकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड हमने बता दिया कि जहां पर क्या हो, एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे हेटरोपॉलीसेकेराइड की, हेटेरो पॉली सैकेराइड, समझ में आया, दो या दो से अधिक प्रकार के जब मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो हेटरोपॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरो पॉली सैकेराइड, दोनों के एग्जांपल मैं लिख दूं यहां पर। देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड में, तो दो चीजें, पहला तो स्टोरेज वाला आ जाता है यानी कि संचित करके किसी चीज को रखते हैं, और दूसरा जो आता है आपका स्ट्रक्चर वाला, संरचना वाला होता है, रचनात्मक वाला होता है। संरचनात्मक और जो स्टोरेज वाले हैं इनको भी मैं पढ़ूंगा, अभी आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे अच्छे से, समझाऊंगा और आप समझेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं जो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं वो संचित वाले, ठीक है, संचित वाले कौन कौन से हो जाते हैं, संचित वाले की बात करते हैं तो आपके मंड, कौन मंड, स्टार्च जिसको कहते हैं, ठीक, और कौन आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, थोड़ा सा आप समझ दीजिए ताकि मैं देख लूं यहां पर जो किनारे पे मैंने लिखा है वो आपके स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है, और आपको मैं समझा रहा हूं आगे। देखिए, जो आपके मंड होते हैं, स्टार्च जो होते हैं और ग्लाइकोजन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को इकट्ठा करके रखते हैं रिजर्व फूड के फॉर्म में, रिजर्व फूड के रूप में ग्लूकोज को इकट्ठा करके रखते हैं। बात आगे आती है, जैसे अगर हम बात करते हैं रचना, देखो भाई, रचना किसी लड़की का नाम भी हो सकता है
और इसको हम कह सकते हैं संरचना। संरचना की बात करते हैं तो सेलुलोस और क्या आता है आपका काइटीन, काइटीन ये क्या आपके संरचना वाले एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपके हेट्रोपॉलीसेकेराइड है इसके क्या एग्जांपल है, मैं आपको बताया मैं डायरेक्ट एक ही नाम लिख रहा हूं इंग्लिश में, दोनों सेम सेम है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड काइटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड काइटीन, अगार रोज, अगार जेल जिसको कहते हैं, पेक्टीन, हेमिसेलुलोज, ईटीसी, ठीक है, ये सभी आपके हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर, यूज के बेसिस पर बात करते हैं, तो पॉलीसेकेराइड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है संचायक पॉलीसेकेराइड जिसको हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं, दूसरा क्या होता है आपका संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड जिसको हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई, चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं, समझाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहीं पर मैं आपको सब कुछ लिखता चलूंगा, समझाता चलूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रही बात नोट्स की तो मैं आपको बता दिया हूं कहां मिल जाएगा। आप भी कहेंगे सर जी एक ही बात बार बार में बोल रहे हैं, क्या करूं, बोलना पड़ेगा। तो पहली बात बात करते हैं संचायक पॉलीसेकेराइड, हम कहते हैं स्टोरेज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। दूसरा होता है रचनात्मक या संरचनात्मक जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जस्ट एक सेकेंड, चलिए अब अगर हम बात करते हैं जो स्टोरेज वाले पॉलीसेकेराइड होते हैं इसमें एग्जांपल क्या, देखो स्टोरेज की बात करते हैं सीधा सीधा स्टोरेज यानी कि संचायक पॉलीसेकेराइड का मतलब ये होता है कि ये किसी भी चीज को स्टोर करके अपने अंदर रखती है, किसी भी चीज को ये बचा करके अपने अंदर में रखती है। बात समझ में आई, अच्छे से सुनिए, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बचाकर रखना, इसका मतलब क्या होता है स्टोरेज। और स्टोरेज के एग्जाम्पल में बेटा मैं अगर बताऊं आपको तो स्टोरेज के एग्जाम्पल में आपको मंड यानी कि जो स्टार्च होता है वो किसी चीज को संभाल कर रखता है, किसको संभाल कर रखेगा ग्लूकोज को रखेगा, क्यों रखेगा ऊर्जा के लिए रखेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो ग्लाइकोजन होता है ये भी ग्लूकोज को संभाल कर रखता है, क्यों रखता है ऊर्जा के लिए रखता है। डेक्सट्रॉन की बात करते हैं तो डेक्सट्रॉन भी क्या है आपका स्टोरेज वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं एनुलिन ये भी आपका एक एग्जांपल है जो कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ करके सुनाता हूं, डेफिनेशन बोल करके आपको समझाता हूं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है। देखिए कि संचायक पॉलीसेकेराइड को अतिरिक्त ऊर्जा या आरक्षित ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिजर्व्ड फूड मटेरियल के रूप में होते हैं पादप में मंड यानी कि पौधों में जो स्टार्च होते हैं वो जंतु यानी कि एनिमल नीले हरे शैवाल जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं यानी कि बीजीय की बात करते हैं कवक यानी कि फंजाई आदि के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में आपके रिजर्व फूड होते हैं, ठीक है, रिजर्व पॉलीसेकेराइड होते हैं, फूड रिजर्व पॉलीसेकेराइड होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो जीवाणु होते हैं जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं एंड जो ईस्ट होती है इसके अंदर जो डेक्सट्रॉन्स होते हैं उसके रूप में पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं जो मंड होता है वो क्या होता है, भाई मंड जो होता है वो पौधों के अंदर यानी कि स्टार्च जो होता है वो पौधों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की तो ग्लाइकोजन जो होता है जितने भी जंतु होते हैं जितने भी एनिमल होते हैं उनके ऊतक में पाया जाता है, उनके ऊतक के अंदर स्टोर्ड रह करके स्टोर्ड होकर के रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपके
ग्लाइकोजन होते हैं वो ग्लूकोज के साखित श्रृंखलाओं के बने होते हैं, यानी कि ग्लूकोज की जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है ना उसके बने होते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर देख लिए आप ग्लाइकोजन की देख लिए, तो ग्लाइकोजन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होते हैं ना उसके ढेर सारे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं, साखित श्रृंखला होते हैं, उस साखित श्रृंखलाओं से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं डेस्टॉन्स की बात करते हैं, तो बेटा डेस्टॉन्स जो होते हैं वो जीवाणु एवं इष्ट के अंदर पाया जाता है, यह मनुष्य के दांतों में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। डेस्टॉन दांतों के धब्बों का प्रमुख भाग है, यानी कि अगर आप कभी कभी देखते हैं जो आपके दांत होते हैं ना उस पर धब्बा लग जाता है, उस धब्बे का जो प्रमुख कारण है वो डेस्टॉन्स है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनुलिन की बात करते हैं, देखो इनुलिन क्या होता है, इनुलिन पादप कुछ जो पौधे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो मांसल पौधे हैं, मांसल का मतलब क्या होता है, जो मांस वाले होते हैं, जैसे प्याज की बात करते हैं, लहसुन की बात करते हैं, डहलिया की बात करते हैं, तो इनके अंदर फ्रैक्टोज के बहुलकीकरण से बनते हैं, यानी कि फ्रैक्टोज का जब पॉलीमराइजेशन होता है ना तो इनुलिन का फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर, प्याज लहसुन डहलिया इनके अंदर होता है। ये पादप कोशिकाओं रस में होता है, यानी कि बात करते हैं ये पादप की जो कोशिकाएं होती है उसके रस में इनुलिन पाया जाता है, जो आवश्यकता अनुसार शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये जो इनुलिन होता है ना भाई जरूरत पड़ने पर ये शुगर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के रूप में चेंज हो जाता है। बातें समझ में आई अच्छे से, चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैं उन चीजों को लिख दूं जो आपको मैंने समझाया, तो मैं एग्जांपल लिखूंगा, डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दिया गया, तो अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, कौन कौन से उदाहरण मैंने आपको बताया एक बार देख लीजिए आप, सबसे नंबर एक पर मैंने आपको बताया था मंड, दूसरे पर बताया था आपको ग्लाइकोजन, तीसरे पर बताया था आपको डेस्टॉन्स और चौथे पर बताया था आपको इनुलिन, सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको नोट्स बनाना है तो भाई नोट्स आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंड, यानी कि जिसको क्या कहते हैं स्टार्च, दूसरे पर अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं बेटा तो आपको डेस्टॉन, डेस्टॉन, चौथे नंबर पर बात करते हैं तो इनुलिन, समझ में ये आपके संचायक पॉलीसेक्राइड है, ये सभी क्या करते हैं फूड को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद अगर बेटा बात करते हैं जो आपके रचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं इस प्रकार के जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो डी ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कौन से, जो आपके रचनात्मक वाले होते हैं या संरचनात्मक वाले होते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होते हैं ये बना होता है डी ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के, डी ग्लूकोज के जितने ज्यादा अणु मिलेंगे फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पादप की कोशिका भित्ति तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं, कौन कौन जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है, कौन कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, तो अगर हम बात करते हैं जो आपके सेलुलोज होते हैं भाई, सेलुलोज नाम तो सुना होगा ना भाई आपने कक्षा 6 से पढ़ते आया है कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि प्लांट सेलवाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये पढ़ा ना आपने बचपन से ही कक्षा 6 से पढ़ के आप 11th में पहुंच गए हैं, तो यानी कि बात करते हैं जो आपके संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड होते हैं वो डी ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ढेर सारे डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है, और ये पौधे के कोशिका भित्ति और जंतुओं के बाह्य कंकाल, कौन से जंतु, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनके बाह्य कंकाल, ठीक है, आर्थ्रोपोडस के एक्सटर्नल स्कल्टल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं काइटिन की, तो काइटिन जो होता है वो आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में ढेर सारे बाह्य आवरण या बाह्य कंकाल में एक लेप होता है या एक कोटिंग होती है काइटिन की, बात समझ में आई। आगे अगर हम बात करते हैं तो सेलुलोज व काइटिन जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड होते हैं। सेलुलोज की अगर हम बात करते हैं तो सेलुलोज क्या होता है, वो पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और ग्लूकोज का बहुलक होता है, ठीक है। सेलुलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है तथा पॉलीसेक्राइड भी माना जाता है, यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो आपका
सेलुलोज है। कैसे कैसे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? एक छोटी सी घास की तिनका भी लोगे ना भाई, उसकी सेलवाल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एक बहुत बड़े पौधे को ले लोगे ना, उस पौधे की जो स्टेम होती है, तना जो होती है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेलुलोज होता है ना, वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, जो कि डी ग्लूकोज से बना होता है और एक प्रकार का ये पॉलीसैकेराइड है। मनुष्य इसे नहीं पचा सकता, यानी कि सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ है पृथ्वी पर जिसे मनुष्य नहीं पचा सकता। उसके पास ये एंजाइम ही नहीं पाए जाते हैं पचा इसको, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो अपेंडिक्स होता है वो क्या होता है? अल्प विकसित होता है। देखो अगर हम बात करते हैं जो जंतु होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ हो गया ना, ये सेलुलोज को पचा लेते हैं, ये घास को खाते हैं, तो घास की जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज ही बनी होती है ना। सेलुलोज को ये पचा कैसे लेते हैं? क्योंकि इनका जो अपेंडिक्स होता है ना, वो अपेंडिक्स इनका वेल डेवलप्ड होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? इनका पूर्ण विकसित होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हम और आप जैसे मनुष्यों के अंदर जो अपेंडिक्स पाया जाता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता भाई, वैसे ही कोने में कहीं मुंह झुटका करके पड़ा रहता है, छोटा सा होता है, ठीक है। परंतु चरने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ हो गई, ये सेलुलोज को पचा लेते हैं, सेलुलोज को पचा लेते हैं। सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, सेलुलोज एंजाइम के द्वारा पचता है आसानी से। अगर हम बात करते हैं कपास के रेशे जो शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं, जो कपास होता है ना भाई, कपास उसके जो रेशे होते हैं वो शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। इसमें 90% तक सेलुलोज पाया जाता है। जो कास्ट होते हैं यानी कि जो लकड़ी होते हैं वो 25 से 50% तक पाया जाता है। और इसी से क्या होता है? कागज का निर्माण होता है। सेलुलोज की बातें समझ में आ गई ना आपको अच्छे से? चलिए इसका स्ट्रक्चर भी आप यहां पर देख लीजिए कि कैसे डी ग्लूकोज आपस में मिला हुआ है और सेलुलोज का फॉर्मेशन हुआ हुआ है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, काइटिन का नाम लिया था हमने, काइटिन क्या होता है भाई? काइटिन क्या है? काइटिन की बात करते हैं तो काइटिन क्या होता है? एन एसिटल डी ग्लूकोसामीन बहुलक से बना होता है। एन एसिटल डी ग्लूकोसामीन को भी आप देख लीजिए कैसा होता है, एन एसिटल डी ग्लूकोसामीन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो कीट होते हैं छोटे छोटे, उसके बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। बेसिकली जो कीट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के होते हैं, उसके बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिपेरिन की, हिपेरिन क्या होता है? तो हिपेरिन क्या होता है? अस्थिर सल्फेट ग्लूकोसामीन ग्लाइकेन्स के बना होता है, जो अल्फा 1-4 लिंक्ड अपशिष्ट के अपशिष्ट पदार्थ के जल अपेरोलोन 2 सल्फेट एवं एन सल्फो डी ग्लूकोसामीन 6 सल्फेट से मिलकर के बना होता है। क्या? अगर हम फिर से बताएं आपको, जो अस्थिर यानी कि अनस्टेबल सल्फाइड ग्लूकोसामीन ग्लाइकेज, जो क्या होता है? अल्फा 1-4 लिंक्ड अपशिष्ट पदार्थ एल आर्डिनेट 2 सल्फेट और एन सल्फो डी ग्लूकोसामीन 6 सल्फेट के मिलने से बनता है। कैसे बनता है आप जरा इधर ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पर, मैंने डायग्राम केमिकल स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, आप देखिए कैसे बनता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पर, हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज क्या होता है? हेमिसेलुलोज की बात करें तो देखो नाम ही क्या है, हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा, ठीक है, आधा सेलुलोज, सेलुलोज पाया जाता है, यानी कि ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें आधा सेलुलोज पाया जाता है। यह पॉलीसेकेराइड कोशिका भित्ति में सेलुलोज के तंतुओं के चारों ओर एक जाल सा बनाता है। यानी कि बात करते हैं कोई कोशिका भित्ति हो गई, कोई सेलवाल हो गई, उसके चारों ओर क्या करता है? एक जाल बनाता है, एक नेट का फॉर्मेशन करता है और उन्हें जोड़ने का कार्य करता है। किसे जोड़ने का कार्य करता है? सेलुलोज को एक दूसरे से लिंक्ड होने में, एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? हेमिसेलुलोज करता है। बात समझ में आया? अगर हम बात करते हैं हेमिसेलुलोज में, मैनोस, एरिबिनोस, ज़ाइलोज आदि मोनोसैकेराइड अणु की छोटी छोटी एवं शाखित श्रृंखलाओं के बने होते हैं। जो हेमिसेलुलोज होता है कैसे बनता है भाई? मैनोस, एरिबिनोस, ज़ाइलोज नाम के जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, इनके छोटे छोटे शाखित
श्रृंखलाओं से बने होते हैं। बात समझ में आई? मैं आशा करता हूं कि पॉलीसेक्राइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स कहां मिलेगा आपको पता है, जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस संडे होने वाला है आपका सेकेंड लेसन का टेस्ट, ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर लिख दूं क्या क्या है उदाहरण इसके। उदाहरण मैंने आपको बताया सेलुलोज, दूसरा मैंने आपको बताया काइटीन, हमारा काइटीन, उसके बाद मैंने आपको बताया हिपेरिन, उसके बाद मैंने आपको बताया हेमिसेलुलोज, समझ में आई। चलिए एक बार फिर से आपको इस चार्ट को समझा देता हूं पढ़ करके। देखो जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उसका वर्गीकरण किया गया है, हमने क्लासिफाई किया एक सिंपल वे में, फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। इसमें क्या है, मैंने पॉलीसेक्राइड को दो बेस पर, दो आधारों पर अलग अलग किया है। पहला जो हमने आधार माना वो माना संयोजन का आधार, यानी कि कॉम्बिनेशन को बेस्ट मान करके हमने पॉलीसेक्राइड को दो भागों में बांटा, होमो पॉलीसेक्राइड जहां पर एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड मिलते हैं, दूसरा हमने बेस्ट माना आपको हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में क्या था भाई, जहां पर दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर के बनाते हैं। होमो पॉलीसेक्राइड में मैंने एग्जांपल लिया मंड यानी कि स्टार्च का लिया, ग्लाइकोजन का लिया और सेलुलोज और काइटिन का लिया, जबकि हम बात करते हैं जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड के अंदर मैंने म्यूकोपॉलीसेक्राइड, काइटिन, काइटिन, अगार, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज का उदाहरण लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, पहला बेसिस हमारा खत्म हुआ, दूसरे बेसिस की बात करते हैं यानी कि यूटिलिटी के बेस पर बात करते हैं, उपयोगिता के आधार पर बात करते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर जो आपके पॉलीसेक्राइड है उनको दो भागों में बांटा मैंने, संचायक पॉलीसेक्राइड जिसको स्टोरेज पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं, और दूसरे को मैंने बांटा स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड जिसको संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन और स्टार्च जो होते हैं उसके मेन एग्जांपल है डेक्सट्रॉन, एनुलिन भी आपके यहां पर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होते हैं, ये सभी ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं। जबकि बात करते हैं जो आपके स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड होते हैं वो किसी भी प्लांट और आर्थ्रोपोडा के जंतु या एनिमल की बात करते हैं वहां पर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मेन जो आपका दो है वो है आपका सेलुलोज जो कि प्लांट के सेलवाल यानी कि कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, और काइटिन की बात करते हैं, जो काइटिन होता है वो आपके कीटो यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। उसके बाद अगर बात करते हैं हिपेरिन, तो हिपेरिन भी भाई क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हैवी सेलुलोज की बात करते हैं तो ये सेलुलोज को आपस में वन बाय वन जोड़ने का काम करता है, एक नेटवर्क जाल, एक नेट बनाता है। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा पॉलीसेक्राइड। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके पहले की जितने भी क्लासेस हैं उन सभी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाटा बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।